परम पूजनीय योगा श्री बाबा रामदेव जी महाराज इज अ रेनाउंड योगी हु हैज रेवोल्यूशनाइज योगा. बाबा हैज एन इलस्ट्रियस फुटप्रिंट्स इन योगा, आयुर्वेद, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस. बाबा फाउंडेड द पतंजलि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बाबा हैज बीन बेस्टॉर्ड विद अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. जस्ट टू मेंशन अ फ्यू, नरसाव काउंटी काउंटी ऑनर्ड एंड सेलिब्रेटेड 30th जून 2007 एज बाबा रामदेव डे. July 2007, Baba was honored by British House of Commons and legislatures of state of New Jersey. January 2009, Baba was conferred with the elite title of Mahamahopadhyay by the Vidyapeeth Tirupati, Andhra Pradesh. Not only this, Baba's name has featured in the most creative business people list, and India Today ranked Baba as the fifth most powerful Indian in the 2017 list. In 2015, Baba was considered for Padma Vibhushan, but he humbly refused from taking it, stating that in fact he is just an ascetic. Now, yoga is not a religion; it is a way of living that aims towards a healthy mind and a healthy body. To emphasize the importance of yoga in our body, in our life, I now invite Swami Baba Ramdev Ji Maharaj to please bless us with these words of wisdom. Thank you. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आज मैं डॉक्टर्स के बीच में हूँ और मैं मानता हूँ और हमारे सभी डॉक्टर्स भी मानते हैं कि डॉक्टर हों, वकील हों, इनके चक्कर में जितना ना पढ़ा जाए उतना ही अच्छा. हमारे डॉक्टर्स भी मानते हैं कि हम स्वयं भी रोगों से जितना बचे उतना अच्छा है. एक यूरोलॉजिस्ट भी मानता है कि मुझे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, मैं एक स्वस्थ जीवन जीऊं. जैसे हमारे सामने कुछ यहाँ डॉक्टर्स से मैं मिला अभी इसी दरमियान, तो जैसे हमारे डॉक्टर कोतवाल कितने फिट हैं, 71 इयर्स में ऐसे फिट रहना चाहिए. अभी हमारे अंगदान कराने वाले भाई कह रहे थे कि बाबा जी तो ये कोशिश करते हैं कि किसी के ऑर्गन फेलियर हो ही नहीं, और ये हमारी पहली पहल होनी चाहिए. हमारे जितने भी यहाँ सम्मानित चिकित्सक महानुभाव हैं, डॉक्टर अनिल गोयल जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है नॉर्थ जोन के, मेडिकल प्रोफेशन से लेकर के और हमारे जीवन की पवित्रता, दायित्व, जिम्मेदारी, क्योंकि बिना उत्तरदायित्वों के ये जो इतना बड़ा अस्तित्व है और इसमें मनुष्य इस पूरे एग्जिस्टेंस का, पूरी सृष्टि समष्टि का सबसे जिम्मेदार कोई समझदार कोई प्राणी है तो मनुष्य, और उसके द्वारा जो कुछ हो वो इतना आइडियल होना चाहिए. आदर्श यद्यपि आज मिटते जा रहे हैं, लेकिन आप जैसे महानुभाव से तो अपेक्षा की ही जाती है कि आदर्श जिंदा रहने चाहिए आपकी करनी के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा. मैं डॉक्टर पी एन डोगरा साहब ने जो आज बड़ी बातें कही और खुद उन बातों को जीते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार सबकी ओर से उनका अभिनंदन है. ऐसा ऐसा जो आपका विचार है, जो आपकी थॉट्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं को जीना चाहिए एक एक डॉक्टर को. और यहाँ जितने आ रहे हैं चिकित्सक, मुझे लगता है मैक्सिमम उनकी बातों से सहमत तो सभी हैं, मैक्सिमम ऐसा जीते भी हैं. हमारे डॉक्टर सबनीस जी, उत्तम मेटे जी, अनिल एलएनसी, सुभाष जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव, एसपी यादव जी, और एक आईएएस ऑफिसर हैं
आदरणीय श्री विनय सिंह जी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया। आज से करीब 10 साल पहले मैंने डॉक्टरों के साथ में सैकड़ों मीट्स की थी। 10 साल पहले एक दौर चला कि बोले बाबा रामदेव डॉक्टरों का विरोधी है। तो मैंने जितने भी हमारे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से लेकर के मैं एम्स भी गया आज से 7-8 साल पहले। फिर मैं वर्ल्ड में जहाँ भी जाता था डॉक्टर्स के साथ एक मीट करता था और सबको इस बात के लिए मैं कन्विंस किया करता था कि हमारा मकसद एक दूसरे को काटना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हम सब मिलकर के चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने स्वयं अपने लाइफ में योग को अप्लाई किया। मैं जब लगभग 9 वर्ष का था तब से योग करता हूं। मैं एक किसान परिवार में सामान्य घर में पैदा हुआ, माँ बाप अनपढ़ थे, सिर से हम लोग घर से लेकर के करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर तक गोबर ढोया करते। मेरा सिर बीच में से बैठ गया था। अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, खेती किसानी की, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, मेडिकल साइंस के बारे में भी जितना आज में एक एक सेल से लेकर के जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से लेकर के रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जितना आज पूरी बॉडी के एक एक सेल से लेकर के एक एक ऑर्गन से लेकर के पूरा जो मैकेनिज्म है इसके बारे में आज जितना जानता उतना नहीं जानता था। लेकिन मैंने 9 साल की उम्र से योग किया। पहले मैंने अपने सिर को ठीक किया, मैं चलता था तो मेरे पैर दोनों मिला करते थे, अपने पैरों को ठीक किया। आज मेरे जिस पेट को देख करके लाखों करोड़ों लोग सोचते हैं कि बाबा जी जैसा हमारा पेट हो जाए। मैं अभी भी जब पेट घुमाता हूं तो बहुतों का दिमाग घूमता है। आज भी मैंने अपने पेट से लेकर के अपने दिल दिमाग से लेकर के मैंने पूरे अपने शरीर पर अपने मन पर नियंत्रण रखा है। अब मैं जब पेट यूं घुमाता हूं तो बहुत से लोगों को तो यकीन नहीं होता, ये कोई एक्ट नहीं है, ये श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को घुमा दिया। मैं 1 मिनट के अंदर अपने बॉडी को हाथों के बल पूरा खड़ा कर लेता हूं। बॉडी पर कंट्रोल है, माइंड पर कंट्रोल है, अपने थॉट्स पर कंट्रोल है। यदि कंट्रोल नहीं होगा तो आप लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते। मैं चाहता हूं हम सभी विजेता बनकर के जिंदगी को जिए। हम लोग गुलाम हो जाते हैं दवाइयों के, हम लोग गुलाम हो जाते हैं खाने पीने की चीजों के। एक समझदार डॉक्टर दारू का गुलाम हो जाता है। मुझे लगता है यहां जितने डॉक्टर हैं दारू नहीं पीते होंगे, लेकिन आपकी हंसी कुछ और कह रही है। एक डॉक्टर जो बहुत समझदार प्राणी है वो मानता है और ये जानता है कि अल्कोहल की एक भी बूंद हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी थिंग नहीं है। लेकिन फिर भी उसका लगता है चलो ये तो अब इतने थक गए चलो पी लेते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझे ये नहीं पता इसका टेस्ट क्या है, लेकिन मैं कभी थका ही नहीं। आप कुछ ऐसा करो ना कि जिससे आपको थकान ही ना हो। आपको लगता है इसको पी लेंगे तो थकान कुछ रिलीज हो जाएगी, स्ट्रेस कुछ रिलीज हो जाएगा। स्ट्रेस होगा क्यों भाई, खुश रहो। आप में से 5 से डॉक्टर्स को मैंने देखा या मंच पर भी बैठे हैं, काफी कुछ नीचे बैठे हैं, बड़े खुश हैं। मैं बोल रहा था हमारे डॉक्टर्स को थोड़ा मैनेजमेंट भी सिखाना पड़ेगा, और लाइफ मैनेजमेंट तो सबको सीखना चाहिए। देखो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर के केबिन में कोई पेशेंट आए ना तो आधा तो आपको देख करके ठीक हो जाए, चेहरे पर मुस्कान, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उसको देख करके लगे कि मैं किसी जिंदा दिल इंसान के पास में आया हूं। जैसे आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, माता पिता से या पत्नी से या बच्चों से, उनके सामने कितने खुश आप होते हैं। ऐसे डोगरा साहब ने कहा कि उस जो आपके पास में मरीज आया है
उस रोगी को एक भगवान की तरह, रोगी को एक मेहमान की तरह, माने उसको कि मुझे देखो ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इसकी सेवा कर सकूं, तो एक खुशी। और मैंने इस खुशी को मिटने नहीं दिया। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सब कुछ देखा है, लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं होने दी, मैंने अपनी प्रसन्नता को नहीं मिटने दिया। मैं सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से भी टक्कर ली, और आज सत्ता के शिखर पर जो बैठे उनको बैठाने में भी इस देश में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मैंने शून्य से शिखर तक बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक चीज कहता हूं आपको, मैंने अपनी प्रसन्नता को नहीं मिटने दिया। मुझे लगता है आप सब डॉक्टर्स को नींद बहुत अच्छी आती होगी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक मिनट के अंदर, वैसे ज्यादातर तो मैं 5-10 सेकंड में सो जाता हूं। मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी मुझे सोना है, मैं सो जाता हूं। मैं सोचता हूं अभी मुझे उठना है, मैं उठ जाता हूं। मैं मैक्सिमम 6 घंटे, मिनिमम 3 घंटे, एवरेज 4-5 घंटे सोता हूं, और लगभग 50 साल की उम्र में मैं 25 साल के बच्चों को, जवानों को कुश्ती से लेकर के, कबड्डी से लेकर के, दौड़ से लेकर के सब में पछाड़ता हूं। रणवीर सिंह का वीडियो देख रहे थे आपने, इसलिए आप थोड़े आज दूर से सावधान थे। वो रणवीर सिंह एक फिल्मी एक्टर है, उसने सोचा है बाबा ऐसे ही होते हैं, बुरे बाबाओं से, बुरे डॉक्टरों से, बुरे इंसान से, कोई भी हो, भगवान बचा के रखे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको देखो, आप स्वास्थ्य के देवता हैं, स्वास्थ्य के दूत हैं, आप हेल्थ के एम्बेसडर हैं। आपको इस तरह से जीना है और आनंद से जियो ना, फिर ये जीवन में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट, ये सब आपके पीछे पीछे आएगा। माने लाइफ का अल्टीमेट गोल पावर, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट एंड डिफरेंट मेटलिस्टिक प्लेजर, सक्सेस, अचीवमेंट्स, दीज आर नॉट द गोल ऑफ लाइफ। ये सब तो बाय प्रोडक्ट है लाइफ के। आप आनंद से जिए और अपना कर्तव्य निभाते जाएं। मैंने जब अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी, मेरे पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए, दो पैर थे। हां, मेरा संकल्प मेरे साथ में था और मैंने पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़ा। और यदि आप जीवन में बहुत बड़ी वेल्थ अचीव करना चाहते हैं, तो अपने नॉलेज को, अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को आप वेल्थ में कन्वर्ट कर सके, ये आपके पास में एक स्किल होना चाहिए। इस धरती पर दो सबसे बड़े संसाधन हैं, एक ब्रेन और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस तो सब जगह हैं, लेकिन अपने पास में वो जो ब्रेन है, अपने नॉलेज को, बुद्धि रूपी संसाधन को, और बाहर के जो मेटलिस्टिक जो रिसोर्सेज हैं, इनको हम वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ये दिमाग, और जिसका दिमाग अच्छा होगा उसका दिल भी अच्छा होगा, जिसके दिल और दिमाग दोनों अच्छे होंगे उसके कर्म भी अच्छे होंगे, तो आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। खैर, मैं विषयांतर ना हो जाऊं, क्योंकि मैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैयक्तिक, पारिवारिक सभी विषयों में बोलता हूं और मैं उन चीजों को जीता, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज आपको मूलभूत कुछ बातें ये कहना चाह रहा था कि एक डॉक्टर और स्वामी रामदेव, मैं डॉक्टर भी हूं, लेकिन कैसा डॉक्टर? मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं, एक ऐसा चिकित्सक हूं जो चाहता हूं कि मनुष्य को कोई बीमारी ना हो, और यदि बीमारी हो जाए तो जिस भी तरीके से वो ठीक हो जाए। लोग कहते हैं एलोपैथी अच्छी, होम्योपैथी अच्छी, नेचुरोपैथी अच्छी, आयुर्वेद अच्छा, सर्जरी अच्छी कि मेडिसिन अच्छी, ये तो भैया सबसे अच्छी पैथी है
तो वो है डॉक्टर की रोगियों के प्रति सिंपैथी। और सिंपैथी जब आपकी होती है तो आप उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे आजकल मरीज डॉक्टर से ज्यादा कई मायनों में ज्यादा समझदार होते हैं। उस बीमारी के ऊपर पूरे वर्ल्ड में क्या रिसर्च हुआ, डॉक्टर शायद इतने रिसर्च पेपर नहीं पढ़ता होगा जितना रोगी पढ़ता आजकल। इसलिए डॉक्टर ने ठीक कहा कि बहुत समझदारी से इलाज करने की जरूरत है। आज लेकर कॉम्प्लिकेशंस भी इतने ज्यादा है क्योंकि उसको पता है ये मेडिसिन है, इसके ये साइड इफेक्ट्स है, ये सर्जरी के तरीके हैं, रोबोटिक सर्जरी से लेकर के जो उसमें ह्यूमन एरर क्या आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ जानता है। आप अपनी तरफ से यदि 100% प्रयास करते हैं कोई आपकी लाइफ में ये मेडिकल हेडल्स नहीं आई। बहुत तरह के हेडल्स हैं। आप पहले अपने आप को बहुत अच्छा रखिए। और उसके लिए मैं कहूँगा कि लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैं बोल रहा था मैनेजमेंट, तो आप आधा घंटे से एक घंटा, अभी डॉक्टर अशोक आए थे अभी ऊपर कोटा से, बोले समझिए एक घंटा योग करता हूँ। एक घंटा, वैसे 24 आवर्स में एक घंटा आप योग करते हैं तो आप 16 से लेकर के 18 आवर्स आप पूरे एनर्जी के साथ अपना काम कर सकते हैं। और मैं इस बात को जी रहा हूं, और आप में से जो कुछ लोग जिंदा रहे, हो सकता है कुछ लोग विदा हो जाए, कुछ साल आप लोगों में से कुछ लोग जिंदा रहे तो आप देखेंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100 साल से ज्यादा ऐसे ही स्वस्थ रहूं जैसे आज आपके सामने खड़ा हुआ। यह हमारी जीने की इच्छा होनी चाहिए और हम जी सकते हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना। कितने बकवास चीजों में हम लोग टाइम बिता देते हैं। कुछ लोग तो आधा आधा घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं साहब, पता नहीं वहां क्या प्रसाद मिलता है। तीन तीन चार चार बार आटा लगाते, चक्कर लगाते रहते, एक कप चाय पी के जाएंगे फिर दूसरा पी के आएंगे। मुझे आज तक जिंदगी में 2 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में नहीं लगते। ये क्या फालतू का, टॉयलेट में टाइम लगा देंगे, टीवी में टाइम लगा देंगे, कुछ लोग तो अखबार को पढ़ते नहीं, चाटते हैं। तुम्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, तुम्हें कोई इधर उधर की फालतू, 99% खबरें आपके काम की नहीं होती है, ना कोई क्रिएटिव होती है ना इनोवेटिव होती है, उनमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। इसलिए कुछ क्रिएटिव काम करो। मैं आपकी जानकारी के लिए शायद महीने में 1 या 2 बार, कभी कभी तो 2-3 महीने अखबार नहीं पढ़ता हूं, चाहे मेरे बारे में भी, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों ना आ रहा हो, टीवी चैनल 99% देखता ही नहीं। इतना काम है अपने सामने, इतना लक्ष्य, इतना बड़ा गोल है, उसको हम पूरा करें। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक मेरी जिंदगी में कि मैंने जिस दिन योग और एक्सरसाइज ना की हो, इसको मैं फॉलो करता हूं। तो आप लोग आज डॉक्टर से लोग जब बहुत अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो आपको खाने का टेस्ट चाहिए, तो पहले योग कीजिए तो आपको खाने में टेस्ट आएगा। नहीं तो इंडाइजेशन होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, वजन बढ़ने का चक्कर रहेगा, अरे थोड़ा कुछ खा लिया तो कहीं वजन ना बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, बीपी ना बढ़ जाए, शुगर ना बढ़ जाए, ये लीवर किडनी पर कुछ असर ना आ जाए। तो आप लोग कम से कम 5 चीजें मैं थोड़ी सी बता देता हूं। मैं तो देखो भाई बाबा जी आदमी हो तो बताने वाला काम तो मैं करूंगा ही, अंगदान वाले में भी बात करूंगा। 1 से 2 मिनट डीप ब्रीदिंग, देखो 1 से 2 मिनट आप ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेना, आपके फेफड़े इतने मजबूत होने चाहिए। देखो डॉक्टर साहिबान, मेरा कोई पीएफटी करता है ना तो कहता है आदमी का किया है या हाथी का किया है। मैं 5 मिनट तक ऐसे करता हूं कि बीमार को नहीं करना, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, बैके के हर्निया है, कमजोरी है, वो नहीं करना। जो पूरे हेल्दी लोग हैं ना उनको ऐसे करना चाहिए। मैं 5 मिनट करता हूं, जब 5 मिनट में ऐसे करता हूं तो मेरे फेफड़े इतने मजबूत रहते हैं। डॉक्टर साहब मेरे से पूछते थे, डॉक्टर जी क्या स्वामी जी सर्दी में कोई गर्म कपड़े पहनते हो क्या? मैं नहीं पहनता क्योंकि मुझे सर्दी लगती ही नहीं। 5 मिनट यदि आप ऐसे कर ले, जो यंग है उनके लिए कह रहा हूं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो डीप ब्रीदिंग करना। ऐसे 1
सेकेंड, इससे आपके सर्दी जुकाम कफ एलर्जी कभी नहीं होगी। आप लोगों में से कुछ मुझे 15 कुछ 20 साल से कुछ 25 30 साल से जानते हैं, मैं 30 सालों में ऐसे तो इससे ज्यादा का वक्त हो गया, उससे पहले कभी कभी गुरुकुल में मच्छर बहुत काटते थे मोटे मोटे, वो उससे कभी एक आधी बार फीवर आ जाता था, अभी 30 सालों से मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूं। सर्दी जुकाम कफ थोड़ा बहुत कभी हुआ, अभी तो मामूली सा कभी हल्का हो गया, वो भी दो दिन में ठीक हो गया, वो भी उसका भी मैंने इलाज ढूंढ लिया। फिर मैं गिलोय का काढ़ा पी लेता हूं, अब तो वो भी नहीं होता मुझे, सर्दी जुकाम भी नहीं होता। बाकी बुखार उल्टी दस्त बीपी शुगर ये क्या होता है, गैस कब्ज एसिडिटी सिरदर्द ये क्या होता है हमको नहीं पता। इतना आदमी को हेल्दी रहना चाहिए। दूसरी चीज है कपाल भाती। मैं पहली बार देख रहा हूं क्या कि डॉक्टरों के ज्यादा मोटे पेट नहीं है, तो एक बार इन सबका अभिनंदन हो जाए, और जितने भी मंच पर बैठे उनके भी, किसी के एक दो किलो है उतना तो थोड़ा पता लगना चाहिए कि खाते पीते घर के हैं, पत्नी वक्त से रोटी दे ही देती है। तो ये कपाल भाती, देखो भाई जो इसको करेगा ना उसको लीवर फेलियर रिनल फेलियर किडनी फेलियर डायलिसिस ये चक्करबाजी नहीं रहेगी, ये बड़ा जबरदस्त है। मैंने आज से 15 साल पहले हरिद्वार में एक कैंप लगाया और सारे डॉक्टर्स को बुलाया, एसजीपीजीआई लखनऊ से डॉक्टर एसएन गुप्ता शायद उस समय और कई दूसरे डॉक्टर्स थे वो आए। मैंने कहा भाई तुम सब पेशेंट्स का ब्लड लो चेक करो और फिर वेट बीपी शुगर सब मैंने करवाया, और मैंने कहा मैं 7 दिन पहले और 7 दिन के बाद कराऊंगा। एक वीक के अंदर 1 से लेकर 2 पॉइंट तक लोगों का क्रिएटिनिन कम हो गया, ये पहली बार मुझे पता लगा। उससे पहले मुझे मैंने अलग अलग तरह से, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी को मॉडर्न मेडिकल साइंस को मैंने बाद में पढ़ा, जो एंसेंट मेडिकल साइंस आयुर्वेदा मैंने पहले पढ़ा था, तो मैंने पहली बार सुना ये क्रिएटिनिन कम हो गया। तो मैंने पूछा जो डॉक्टर साहिबान थे, मैंने कहा होता क्या, बोले बाबा जी इसका लेवल 0.5 से लेकर 1.5 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किडनी ने काम करना कम कर दिया है, ब्लड को प्योरीफाइड नहीं कर पा रही है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि 1.5 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब अब ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मैं सबका तो नहीं कहता लेकिन इसमें मुझे इतनी सफलता मिली, मैंने हजारों लोगों को रीनल फेलियर से बचाया कपाल भाती करा के, 2, 3, 5, 7, 8 से लेकर के कुछ तो एक्सेप्शनल केसेस थे, 14 पॉइंट से लेकर के मैं 1.5 तक भी लेकर के आया पेशेंट को क्रिएटिनिन के मामले में। कपाल भाती इतना जबरदस्त है, ये तो सबको करना चाहिए, लीवर किडनी प्रोस्टेट यूट्रस ओवरी सबके लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। और इसके तो फिर डिफरेंट वो है, मैं आप पूरे युग का सत्र नहीं लेने आया हूं। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम, ये भी जबरदस्त है शरीर में, अभी तो बहुत अनुसंधान हो रहा है क्योंकि मनुष्य को अभी तक बॉडी का एक सेल और यूनिवर्स का एक परमाणु इसके बारे में अभी पूरा पता नहीं लगा है, थोड़ा थोड़ा पता लगा है, क्योंकि 1 cell = 1 body and 1 body = 1 universe एक बहुत बड़ा विज्ञान हमारे भीतर समाहित है। हमारे योग शास्त्रों में कहा 72,72,10,201 नाड़ियां अपने शरीर में, 8 चक्र हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार, 9 द्वार हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच प्राण पंच उपप्राण, और 72,72,10,201 सूक्ष्म नाड़िया, 72,72,10,201 नाड़िया, और वो पूरा एनर्जी किस द्वारा ही सारा सिस्टम चलता है, वो एनर्जी जब तक उसका वो चैनलाइज रहती है तो हम रोगी नहीं होते, वो एनर्जी जब चैनलाइज नहीं रहती कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाती है, तभी SLEMS ऑटोमेन डिजीज और डिफरेंट प्रकार के ये एंटीबॉडीज अंदर पैदा हो जाते हैं, कई प्रकार के जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स आप जिसको कहते हैं, उसका मेन कारण है कि हमारा जो एनर्जी है वो ठीक से चैनलाइज नहीं है बॉडी के अंदर, उसको चैनलाइज करने के लिए ये है, ये स्वर विज्ञान इसको कहते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा यमुना सरस्वती बड़े बड़े नाम इसके लिए दिए जाते हैं, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया
सब डिस्ट्रेस होने का ये सबसे बड़ा मंत्र है। प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसीटीआर जो स्ट्रेस हार्मोन्स बोले जाते हैं एकदम से डाउन आ जाते हैं। बीटा इंडोरफिन इनकैप्सिन आदि अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये मैंने 9 दिन की स्टडी में किया। ये मैंने एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ में एक जो है पतंजलि योगपीठ की ओर से हमने एक संयुक्त रिसर्च किया था। और उस क्योंकि अभी मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, हार्मोन्स को टेस्ट करने के लिए सारी किट भी जर्मनी से आती है। वो जर्मनी से हमने किट मंगवाया स्पेशल, और मैंने एक कैंप रखा और क्लीन जैसे कंट्रोल ट्रायल किया। कुछ लोगों को मैंने प्राणायाम करवाया, कुछ लोगों को नहीं कराया, सेम इन्वायरमेंट में सेम डाइट पर रखा। और तब देखा मैंने कि जो प्राणायाम नहीं कर रहे थे उनका और डाइट कंट्रोल कर रहे थे, थोड़ा वेट तो कंट्रोल हो गया लेकिन हार्मोन्स में कोई चेंज नहीं आया। विदाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन हार्मोन्स में चेंज नहीं आया, बाकी चीजों में चेंज आ गया, वेट में, कोलेस्ट्रॉल में, इनमें चेंज आ गया, लेकिन ये प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसीटीएस इंडोरफिन बीटा इंडोरफिन इनकैप्सिन इनमें कोई चेंज नहीं आया। ये 9 दिन के अंदर सारे स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम तलहटी में चले गए, माने जैसे कहते ना 100% नॉर्मल। ये पूरी रिसर्च स्टडी मेरे पास अभी भी रखी है। ये बात है आज से करीब 12-13 साल पहले की। तब से मैंने कहना शुरू किया कि there is no medication in modern medical science for stress. Yoga is only medication. ये बहुत बड़ी बात है। आप और सामान्य रोगों से लेकर के आज से मैंने जब 15 साल पहले बोला था कि कैंसर में भी आपको योग मदद करता है, तब उस समय इंडिया में तो बहुत विवाद हुआ। और जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में जब मैंने बोला था कि ये जो प्राण है ये जो है जो कैंसर सेल्स हैं उनको धीरे 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 करके खत्म कर देता है, माने जो इंडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इंडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स इसको कंट्रोल में ले आता है। तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में इसके लिए स्टडी की उन लोगों ने, और उन्होंने भी कहा कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट, माने आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो ये स्ट्रेस और ये सारी चीजें तो कंट्रोल होती हैं। जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल कोई बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन कुछ तो है नहीं, वो तो बॉडी के ही सेल्स हैं जो बॉडी के सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इंडिसिप्लिन वे में ग्रोथ करने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, बॉडी के साथ उनकी कनेक्टिविटी लूज पड़ जाती है धीरे धीरे, फिर वो एक तरह से एक कुछ ऑब्स्टिकल्स पैदा हो जाते हैं बॉडी के अंदर। उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अनुलोम विलोम से।